दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू ने कई खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने दावा किया कि वो भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया था। हालांकि पूछताछ में दीप सिद्धू ने साफ किया कि उसका जुड़ाव किसी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है। दीप सिद्धू ने पहले ही साजिश रची थी कि वो लाल किला और यदि संभव हो तो इंडिया गेट तक पहुँचने की कोशिश करेगा। जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि फरार आरोपी जुगराज सिंह को विशेष रूप से धार्मिक झंडा फहराने के लिए लाया गया था। राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो रहा है। मंगलवार को इस मौके पर संसद के बजट सत्र के दौरान सदन में काफी भावुक माहौल रहा। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 2006 में श्रीनगर आतंकी हमले के दौरान की घटनाओं को याद करके और नबी आजाद के साथ अपनी मित्रता को लेकर भावुक हो गए। उस घटना को लेकर गुलाम नबी आजाद ने भी अपने अनुभव याद किए और भावुक नजर आए। रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान के कांग्रेस नेता अधीर रंजन की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में मंगलवार को जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन पर टैगोर के अपमान का आरोप गलत है और गलत आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। गृह मंत्री ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि टैगोर की कुर्सी पर वो नहीं बैठे थे बल्कि इस कुर्सी पर जवाहरलाल नेहरू बैठे थे। बंगाल का किला फतह करने को बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर रहे, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी को ना माँ की चिंता है और ना ही माटी से प्यार है, उनको केवल तानाशाही से मतलब है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बंगाल बसा है। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने भारत चीन के बीच जारी गतिरोध पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि भारत ने चीन की तुलना से ज्यादा बार LAC का उल्लंघन किया। उनके इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट कर कहा कि बीजेपी का एक मंत्री चीन को भारत के खिलाफ मामला बनाने में मदद क्यों कर रहा है, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्हें बर्खास्त नहीं करना हर भारतीय जवान का अपमान करना होगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया है। नीरज कुमार सिंह को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन को पथ निर्माण मंत्री बनाया गया है। मंगलवार को लंबे समय के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 9 और जेडीयू कोटे से 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हो गए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत 26 लोगों को बड़ी राहत दी है। इन 26 लोगों की गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इन पर 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा पर गलत रिपोर्टिंग और आंदोलनकारियों के समर्थन में ट्वीट करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में देखेंगे, फिलहाल नोटिस जारी कर रहे हैं और गिरफ्तार किए जाने पर अंतरिम रोक लगाते हैं। इस मामले पर कोर्ट 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के भाई राजीव कपूर का 9 फरवरी की दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजीव ने राम तेरी गंगा मैली जैसी तमाम फिल्मों में काम किया था। ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करके इस खबर की पुष्टि की है। नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से राजीव कपूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, रेस्ट इन पीस। उन्होंने हाथ जोड़ने वाले इमोजी बनाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषि गंगा घाटी में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या मंगलवार को 31 तक पहुंच गई। वहीं NTPC की क्षतिग्रस्त तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे 35 लोगों को निकालने को लेकर सेना, NDRF, ITBP और SDRF का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
राहत और बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों को सख्त से सख्त हिदायत दी गई है कि वो बचाव कार्य में कोई भी कमी कसर न छोड़े। 1 फरवरी 2021 को पेश हुए बजट के बाद से बाजार में जारी बढ़त पर विराम लग गया है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 20 अंक नीचे 51,329.08 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 7 अंक की मामूली गिरावट के साथ 15,109 के स्तर पर बंद हुआ।